वेलकम टू एवरीवन। अली बुखारी जिन्होंने इस्लामाबाद से अपनी सीट जीती लेकिन धांधली के साथ उनसे भी ये सीट छीन ली गई। मैं सैयद मोहम्मद अली बुखारी जी NF48 इस्लामाबाद से PTI का कैंडिडेट थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन 8 फरवरी को जो कल हुआ इसके अंदर हमने ये इलेक्शन बहुत बड़े मार्जिन से जीता। मेरे पास ये फॉर्म 45 पड़े हैं सारे, 261 पोलिंग स्टेशन थे टोटल NF48 के, जिनमें से 250 से ज्यादा मैंने जीते। ये मेरे पास फॉर्म 45 पड़े हैं सारे और हमारी कोई 45 से 50 हज़ार वोटों की लीड, दोबारा रिपीट करूँ 45 से 50 हज़ार वोटों की लीड थी। और अभी मुझे नोटिफिकेशन पता चला है कि जनाब मेरे इसका हारने का नोटिफिकेशन हुआ है, जबकि मैं सुबह 6 बजे तक आरओ ऑफिस खड़ा रहा हूँ जहाँ पर रेंजर्स भी मौजूद थी और आरओ साहब ने हमें मिलना गुजारा नहीं किया। शाम 5 बजे से मेरे वकील वहाँ खड़े थे जो मेरे अपने लॉ फर्म के थे, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के थे, पिंडी बार एसोसिएशन के थे, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। उसके बाद मैं जब खुद गया और मैंने जाके वहाँ पर 6 बजे गया, फिर 9 बजे गया, कहा 11 बजे देंगे, फिर 11 बजे गया, फिर 2 बजे गया और फिर सुबह 6 बजे तक हम खड़े रहे, हमें रिजल्ट नहीं दिया। और अभी पता चला कि जनाब हम इलेक्शन हार गए, हमारी पता नहीं 57,000 वोट है, मेरी 90,000 वोट है, 88,000 प्लस वोट बन रही है, 80,000 प्लस वोट बन रही है, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो मैं ये अपील करता हूँ जनाब दशरथ पाकिस्तान साहब से भी कि जनाब इलेक्शन होने चाहिए मुनसिफाना और इसके अंदर सारा मैार पूरा करना चाहिए। ये आरओ से तो पूछने, आपने आरओ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपॉइंट किए थे जो हमारे डीसी एसी और ये लोग थे सारे डीसी आकर, मिलना गवारा नहीं किया जनाब कैंडिडेट को, अंदर जाना गवारा नहीं किया और ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। बुला लें, इसकी फ्रेंसिक करा लें, जाके अंगूठे थंब लगे हुए हैं उसके ऊपर, साइन हुए हैं और तसली कर लें, पूरे बाहर भेज दें किसी और मुल्क में भी, वहां भी जाकर तसली करा के आ जाए और ये देखें ये हमारे साथ हुआ है जनाब। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या का नाम बदो या का नस्ताइन। मैं सैयद मोहम्मद अली।